मम्मी मुझे मेरा नाम मिल गया। अच्छा बेटा तो क्या है तुम्हारा नाम? रॉबिन। और तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? द बैंक, रॉबिन द बैंक। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा ये नाम तो बहुत अच्छा है। हाय आई एम रॉबिन द बैंक। ओ नो ये ठीक नहीं है। क्यों बेटा क्या हुआ? सुनने में ये ऐसा लग रहा है जैसे आई एम रॉबिंग द बैंक, जैसे कि मैं कोई बैंक में डाका डालने जा रही हूँ। ओह कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरा नाम भी मिलेगा। हाय बेस्टी, क्या तुझे तेरा नाम मिला? हाँ। क्या है वो? नोरा। ये तो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी जैसा नाम है, मिस नोरा। तो कितनी लकी है। मुझे पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम मिला? हाँ मुझे एक ऑप्शन मिला तो था पर मुझे उसे रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि वो ठीक नहीं था। और मेरा दूसरा ऑप्शन भी आ गया। हाँ क्या है वो? आई एम अ फार्ट। नो, मैं अपना नाम ये नहीं रख सकती, मैं ये वाला भी रिजेक्ट कर रही हूँ। रुको क्या हुआ? तुम्हें पता है ना तुम इसे सिर्फ दो ही बार रिजेक्ट कर सकती हो। सच में? हाँ और इसका मतलब ये है कि इसके बाद तुम्हें जो भी नाम मिलेगा ना तो तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगी और ना ही रिजेक्ट, क्योंकि फिर तुम्हारा नाम वही हो जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे आयमा फैट नाम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? वो तुम्हारा डिसीजन है पर मैं यही कहूंगी कि नेक्स्ट ऑप्शन और भी बेकार हो सकता है। हाँ मैं ही क्या करने वाली हूँ, मैं इस नाम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं नेक्स्ट नाम मिलने का वेट कर सकती हूँ। ओए क्या तुम्हें तुम्हारा नाम मिल गया? नहीं मैं भी एक अच्छे ऑप्शन का वेट कर रही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारा नाम मिल गया? हाँ तुम मुझे चंपा सेल्वेटोर के नाम से बुला सकती हो। वेल आई होप कि कोई तुम्हें चंपू नाम से ना बुलाने लग जाए। तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसे ही पागल कही की। हाँ मुझे मेरा नाम मिल गया, अनीता डंप। हाँ फाइनली मुझे एक नॉर्मल नाम मिल गया। ओए बेस्टी क्या तुम्हें तुम्हारा नाम मिला? हाँ मुझे फाइनली एक नाम मिल गया जो कि नॉर्मल है। तो क्या है वो नाम? अनीता डंप। ये आयमा फाट और रॉबिन द बैंक से तो लाख गुना बेटर है। क्या हुआ तुम शांत क्यों हो? जरा एक बार अपना नाम स्लो स्पीड में बोलना। अनीता डंप। एग्जैक्टली तुम डंप करना चाहती हो? ये वैसा साउंड नहीं कर रहा है ना? हाँ ये बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स जहाँ तक है अब तक तुम सबको अपना न्यू नेम मिल गया होगा तो चलो एक एक करके सब अपना न्यू नेम इंट्रोड्यूस करो। ओए ब्लू टॉप पहले तुम। मैम बात यह है कि मैं अनोनिमस रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, चुपचाप अपना नाम बताओ। अनीता। अनीता क्या? डंप। ओह शट अप चंपा चमेली। नोरा क्या तुम श्योर हो कि मेरा नेम चेंज करने का कोई तरीका नहीं है? हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि मुझे जस्ट अभी अपना नेम रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिला है। जरूर ये एक ग्लिच होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसे कभी प्रेस नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है कि तुम नेमलेस हो जाओ। वेल तुम्हें नहीं लगता कि नेमलेस होना भी अनीता डम से बेटर होगा? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि अगर तुम नेमलेस हुई तो तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि तुम्हें किस नाम से पुकारे। लाइफ में कभी कभी कुछ तूफानी करना ही पड़ता है। प्लीज मुझे नेमलेस मत बनाना। ओए अनीता बाथरूम उधर है, तुम्हारा डम करने का टाइम हो गया होगा ना। हा 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 वेरी फनी कालिया। हाँ मेरा नाम भी कालिया किंग एक रीजन से है। वेल मेरा नाम अब अनीता डम नहीं है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक अपना न्यू नेम नहीं मिला है। क्या पर अब तक तो सबको उनका न्यू नेम मिल जाना चाहिए था। वेल मुझे लगता है कि अब तुम्हें नेमलेस रहना होगा जो कि अनीता डम से भी बुरा है। कम ऑन प्लीज मुझे एक न्यू नेम दे दो। तो क्या तुम्हें तुम्हारा नाम मिला? नहीं एक हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक मुझे मेरा न्यू नेम नहीं मिला है। तुम्हें लगता है कि अब मैं नेमलेस रहूंगी? हाँ मुझे तो यही लगता है, मुझे ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पर मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हाँ नोरा मुझे मेरा नाम मिल गया। क्या? एन असैसिन। फाइनली अब मैं नेमलेस नहीं हूँ। बस ये दे दीजिए। ओके मैम आपका नाम क्या है? एन असैसिन। वाओ मैं आज से पहले एक असैसिन से कभी नहीं मिली। मैं भी नहीं। मैं ये जान के हैरान हूँ कि तुम अपनी पहचान को छिपा नहीं रही हो, क्या तुम किसी मिशन पर हो? मिशन? हाँ मैं भी यही काम करती हूँ, आज रात मैं उस लड़के को मारने वाली हूँ। क्या तुम उसे मारने वाली हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम एक असैसिन हो? हाँ क्या तुम नहीं हो? नहीं मेरा नाम एन असैसिन है। ओ ये तो बुरी बात हुई, तुम ये मुझसे कह रही हो? क्योंकि अब मैंने अपनी पहचान तुम्हें बता दी है, मुझे तुम्हें मारना होगा। हाँ ये कहाँ गई? हेलो 911। हेलो मुझे जान का खतरा है, एक असैसिन मेरे पीछे पड़ी है। क्या तुम मुझे ठीक ठीक बताओगी कि वो दिखती कैसी है? उसके बाल पिंक थे और मुझे याद नहीं है कि उसने क्या पहना हुआ था पर वो मुझे लेन नंबर 69 पर मिली थी। ओके मैम आप घबराइए मत, हमारे ऑफिसर्स आप तक पहुंच रहे हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि वो मुझे मारना चाहती है। तो तुम यहाँ हो? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? क्या तुम भूल गए कि मैं एक असैसिन हूँ, मैं किसी को भी ढूंढ सकती हूँ। तो क्या मरने के पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? प्लीज हैंड्स अप। थैंक गुडनेस बोथ ऑफ यू हैंड्स अप। थैंक गॉड ऑफिसर आप यहाँ आ गए, ये मुझे मारना चाहती है। क्या तुम एन असैसिन हो? मेरा नाम एन असैसिन है। हाँ यही है वो, तुम हमारे साथ चल रही हो। मैं? आपने मुझे क्यों पकड़ा है? हमें खबर मिली है कि तुम किसी को मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं मैं ही हूँ वो जिसने आपको कॉल किया था। तुम एन असैसिन हो राइट? नहीं सर मेरा नाम तो पुष्पा है। इसका नाम भले ही पुष्पा हो पर ये एक असैसिन है। बेटा ये आवाज़ लॉयर्स के लिए बचा कर रखो क्योंकि तुम्हारी कोई भी बात यहाँ तो कोई भी नहीं सुनने वाला।
क्या मैं यहाँ किसी ऐसे ऑफिसर से बात कर सकती हूँ जिसका दिमाग मूंगफली के साइज से थोड़ा बड़ा हो? मैम क्या प्रॉब्लम है आपको? लिसन, मेरा नाम एन असैसिन है और मैंने ही आपको इस फोन से कॉल किया था और मैंने ही आपसे कंप्लेन की थी कि एक असैसिन मुझे मारना चाहती है और इन दोनों महान ऑफिसर्स ने मुझे ही अरेस्ट कर लिया और वो असैसिन वहाँ बाहर आराम से घूम रही है। मुझे अपना फोन देखने दो। ऑफिसर क्या तुम इस फोन की रिकॉर्डिंग देखकर बताओगे? थैंक यू। अरे भाई मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक आदमी की खोपड़ी खा ली थी। सेल 13 तुम जा सकती हो। फाइनली हम माफी चाहते हैं पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। ट्रस्ट मी अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं ये अभी कर लेती। ये रहा आपका फोन मैम। तो क्या आपने उस असैसिन को पकड़ लिया? ओ नो वो अभी भी बाहर है। क्या? हाँ पर अब हम आपको भी पकड़ कर नहीं रख सकते क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। पर अगर वो मुझ तक पहुँच गई तो वो मुझे मारना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो आप उसकी नाक फोड़ देना और फिर आपको टाइम मिल जाएगा। किस चीज का टाइम? भागने का। तो तुम यहाँ हो? हाँ। तो मेरे घर के अंदर कैसे आई? मैं एक असैसिन हूँ, ये मेरे लिए चुटकी बजाने का काम है। प्लीज मुझे मत मारो। सॉरी पर ये मेरी जॉब है। हमने उसे पकड़ लिया है, माना पड़ेगा वो जरूर एक दमदार मुक्का था। हाँ और ये काफी दर्द भी हो रहा है। उसे भी तुमने उसे मार दिया क्या? हाँ पर चिंता मत करो, हमने सीसीटीवी फुटेज ले लिया और उसमें ये साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि एक सेल्फ डिफेंस केस था। इसका मतलब है कि तुम पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वेल दैट्स गुड आई गेस। हेलो क्या मेरी बात एन असैसिन से हो रही है? वो डिपेंड करता है कि मेरी बात किससे हो रही है। मैं चीफ असैसिन बोल रहा हूँ और तुमने मेरी बेस्ट एम्प्लॉय को मार दिया है। लुक आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्या तुम एक असैसिन बनना चाहोगी? हेलो एना। वेट सच में? हाँ तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है, शायद इसीलिए मुझे ये नाम मिला है। खैर मैं ये करूँगी। टीम में तुम्हारा स्वागत है एन असैसिन, मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट टारगेट अभी भेज रहा हूँ। गाइस अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ।